एवरीवन, मैं डॉक्टर आरती पोपल या महानिया फिजियोथेरेपी क्लिनिक टीम से। आज मैं आपको घुटनों से संबंधित नी आर्थराइटिस बढ़े नहीं उससे संबंधित कुछ टिप्स शेयर करूंगी, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अल्टी पल्टी करके नीचे नहीं बैठना है, लंबे समय तक खड़े ना रहे, थोड़े समय बाद कुर्सी में बैठिए, फिर वापस खड़े होकर काम कीजिए। वॉक करते समय ऊंचे नीचे रस्तों पर ना चले, जॉगिंग पाथवे बना रहे, ऐसे ही फुटपाथ पर चले। अगर आपको एक्यूट नी पेन हो तो वॉक मत कीजिए, उस समय फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी उचित है। चलते समय प्रॉपर फुटवेयर का उपयोग करें और साथ ही में फिजियोथेरेपी भी आवश्यक है। एक्सेसिव नी बेंडिंग, वज्रासन और इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करें। आपको बैठ के उठते समय एक बात का ध्यान रखना है, जब आप बैठे हो तब आपका पोस्चर भी गलत रहता है। जब आप बैठे हो तब आपके पैर दोनों पीछे की तरफ रहते हैं और अब जब बैठ के उठते हो तब आपके घुटनों पे लोड आता है और उससे नी पेन होता है। इसीलिए बैठते समय दोनों पैरों को आगे की तरफ रखिए। जिनको ज्यादा तकलीफ है जैसे कि वृद्ध जन, वो चलते समय नी कैप या स्टिक का उपयोग करें डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह लेने के बाद। न्यूट्रिशन लेना आवश्यक है, आपका वजन अधिक भी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपको घुटनों का दर्द एवं ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है तब आप प्रॉपर फिजियो करेंगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।